जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं MAU और CTL के बीच में जो अगला इसी T10 स्पैन सीरीज का जो मैच होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के भरपूर इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, कि कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलने वाले हैं, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लीट दो ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों, और किसे आप इस मैच के अंदर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलता है दोस्तों, तो वीडियो को एक बार लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लाइनअप के बाद ना आपको फाइनल टीम यहीं पे मिलेगा। हाँ अभी हम लोग टीम बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि लाइनअप के बाद एक दो खिलाड़ी चेंज होगा और वही टीम में आपको फाइनल टीम के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, तो एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहाँ आप कमेंट करते हैं पहला कमेंट मैंने लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करोगे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इन्फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जो मैच है दोस्तों, देखो ग्राउंड तो चेंज नहीं हो रहा है, कोटमावल ग्राउंड स्पेन में ही मुकाबला होगा। और यहाँ का पिच रिपोर्ट की बात करते हैं ना, तो जिस प्रकार अभी तक इस ग्राउंड पे मैचेस हुआ है, बैटिंग पिच आप कह सकते हैं 100 रन के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर देखने को मिल जाता है। ये जो मैच है शाम 3 बजे आपको ये मुकाबला देखने को मिलेगा, क्लियर स्काई रहने वाला है। और इस मैच के अंदर देखोगे तो CTL के जीतने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों इस मैच के अंदर, तो ये चीज़ माइंड पर रखना है आपको। बाकी कल के अगर 5 मैचेस देखोगे, 2 मैचेस फर्स्ट बैटिंग टीम ने विन कराया दोस्तों, और सेकंड बैटिंग टीम ने 3 मैचेस जीता है। हालांकि टॉस का ज्यादा लॉजिक अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन कल के जिस प्रकार मैचेस हुआ है ना, उसके बेसिस पे अगर बात करोगे तो सबसे पहले कोई भी टीम अगर टॉस जीतता है तो सबसे पहले बॉलिंग करने का निर्णय ले सकता है, तो यह चीज माइंड पर आपको रखना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले MAU के टीम के बारे में। तो इस टीम ने अभी तक 10 मैचेस खेला है, 7 मैचेस जीता है और 3 मैच लॉस किया है। लेकिन वही CTL की बात करते हैं दोस्तों, तो इस टीम ने 10 मैच के अंदर 9 मैचेस जीता और 1 मैच लॉस करते हुए आए हैं। देखो दोनों ही टीम काफ़ी बढ़िया टीम है, लेकिन CTL की टीम अगर आप देखेंगे तो इनके टीम थोड़ा अच्छे परफॉर्म कर रहा है। चलिए आगे जानेंगे हम लोग। कादर नवाज जो कि टीम के दोस्तों ओपन कर रहे थे, देखो ग्रुप ABC जिस प्रकार मैचेस हो रहा था, ये पुराना रिकॉर्ड है, ठीक है, मतलब पुराना बोले तो इसी टूर्नामेंट का है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसी सीरीज का है। लेकिन दोस्तों अभी जो मतलब जो यहाँ पर कल के जो मैचेस हुए हैं उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखना है कि ओपन कौन किया है और कौन फर्स्ट राउंड पे खेला है। अगर यहाँ पे कादर नवाज की बात करेंगे तो ये देख सकते हैं पुराना मतलब जो ग्रुप ABC का मैचेस हुआ था उसमें भी ओपन कर रहे थे। पहले मैच के अंदर 27 रन, कोई विकेट नहीं मिला, फिर इनको लेट बैटिंग दिया गया था, फिर यहाँ पे 7 रन बनाए थे। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर मतलब अभी जो ग्रुप ये मैचेस चल रहा है, इस मैच के अंदर देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे ओपन करते हुए 39 रन स्कोर करा, इसमें 1 ओवर की गेंदबाजी भी दिया जो कल मैचेस हुआ था, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर 6 रन बनाए थे, इसमें 2 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं मिला, फिर 16 रन बनाए थे और 2 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट निकाले हैं। तो ये प्लेयर जो है दोस्तों बहुत शानदार है, जो कि ओपन भी किए थे कल के सारे मैच के अंदर, प्लस आपको यहाँ पर गेंदबाजी भी करते हुए दिखे हैं, लास्ट मैच के अंदर विकेट भी निकाले थे। तो यहाँ पर कादर नवाज बेस्ट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना ये खिलाड़ी आपके लिए शानदार पिक रहने वाला है, जो कि कल के सारे मैच के अंदर ओपन करा था। वही अमर शेखावत की बात करेंगे तो कल के मैचेस के अगर देखोगे तो यहाँ भी अभी ओपन कर रहे हैं, पहले मैच के अंदर 11 रन बनाए थे, 2 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट हालांकि मिला नहीं, लेकिन फिर 21 रन और लास्ट मैच के अंदर कल देखोगे तो 28 रन बनाए थे 2 ओवर की गेंदबाजी में, यहाँ कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन ध्यान रखना ये भी खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ओपन तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको बॉलिंग भी करते हुए दिख जाएंगे, तो स्टार्टिंग के दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिल अहमद की बात करते हैं दोस्तों, कल के मैचेस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट राउंड पे पहले मैच के अंदर भेजा गया था, कल के जो मैचेस हुआ था, कल 3 मैच खेला था MAU की टीम। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कल के 3 मैचेस हुआ था MAU की टीम ने खेला था। फर्स्ट राउंड पे पहले मैच में इन्होंने 1 रन बनाया था, 1 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं मिला, फिर 1 रन बनाए थे, इसमें 2 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं मिला,
और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार दोनों मैच के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाए थे, और इस वजह से थर्ड मैच के अंदर देखोगे तो इनको सेकंड डाउन पे भेजा गया जहाँ पे 7 रन बना पाए थे। हालांकि बॉलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड देखोगे कल के सारे मैच के अंदर ये बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप रहा है। ओवरऑल देखोगे जो अभी तक 10 मैचेस इन्होंने खेला हुआ है 51 रन बना के 6 विकेट पूरे टूर्नामेंट के अंदर निकाला है। हाँ, खिलाड़ी टीम के टॉप ऑर्डर का है प्लस बॉलिंग भी करते आपको दिखेंगे। बाकी मिर्जा भाई की बात करेंगे दोस्तों, कल के अगर मैचेस में देखेंगे तो पहले मैच के अंदर सेकंड डाउन पे लग गया था जहाँ पे 2 रन बनाए थे, फिर सेकंड डाउन पे खेलते 52 रन स्कोर करा था और इस वजह से इनको फिर से फर्स्ट डाउन पे भेजा गया, मतलब ऊपर इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा और ऊपर कर दिया गया जहाँ पे 36 रन बनाए थे। मतलब परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो इनके साइड से बहुत बेहतर रहता है, तो इनको अपने अपने टीम के अंदर ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल देखोगे दोस्तों 140 रन स्कोर करा है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। बाकी दीपेंद्र बिस्नेत की बात करेंगे तो कल के तीनों मैच के अंदर देखोगे थर्ड डाउन पे खेला है, पहले मैच के अंदर 18, फिर 37, फिर 0 रन। ओवरऑल देखोगे दोस्तों तो 158 रन स्कोर करा है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। वकार जफर ये 4 नंबर पे खेलने के लिए आते हैं, पहले मैच के अंदर 1 रन को यहाँ पे विकेट नहीं मिला 2 ओवर की गेंदबाजी में, और लास्ट मैच के अंदर ही फ्लॉप रहा है। वकार हुसैन जो कि अभी तक 2 ही मैचेस खेला है, पहले मैच के अंदर 2 विकेट, दूसरे मैच के अंदर फ्लॉप रहा है। अबुल कलाम आजाद भी 2 ही मैचेस खेला है अभी तक दोस्तों इस टूर्नामेंट के अंदर, दोनों मतलब ये खेलने के नो चांस इनका, ठीक है, इस मैच के अंदर तो आप इनको ड्रॉप ही करें। बाकी यहाँ पे अकीब हसन की बात करते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल देखोगे 38 रन बना के 2 विकेट निकाले हैं, लास्ट मैच के अंदर देखोगे 1 विकेट निकाला, इसके पहले मैच के अंदर 1 विकेट, बॉलिंग हालांकि ये भी करते हैं। बाकी आरिफ हसन जो कि दोस्तों ओवरऑल देखोगे 28 रन स्कोर करा है, बाकी खेलते हुए दोस्तों ये कुछ मैचेस में नजर नहीं आए हैं, थोड़ा सा माइंड पे रखना है। बाकी ओपन तो कर रहे हैं लेकिन फ्लॉप रहने की वजह से इनका बैटिंग ऑर्डर पे मतलब चेंजेस होते रहता है। बाकी यहाँ पे बात करेंगे अयाज हुसैन के बारे में, पूरे टूर्नामेंट के अंदर दोस्तों 23 रन बना के 5 विकेट निकाला। इत्तेफाक अहमद की बात करेंगे, पूरे टूर्नामेंट के अंदर 6 विकेट। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे मोहम्मद अशराफ के बारे में तो पूरे टूर्नामेंट के अंदर 16 रन बना के 4 विकेट निकाले, जो ओपन तो कर रहे हैं लेकिन दोस्तों बॉलिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, और इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा अगर लाइनअप में रहता है तो, क्योंकि कल के मैचेस में देखोगे तो ये खेलते हुए नहीं दिखे थे, ये चीज़ ध्यान रखना, खेलेंगे अगर खेलते हैं तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तौसीफ के बारे में, तौसीफ बरसात के बारे में, तो पूरे टूर्नामेंट के अंदर 44 रन बना के 2 विकेट निकाला। नूर अजम पूरे टूर्नामेंट के अंदर 62 रन बना के 2 विकेट निकाले हैं, और वहीं रसल अहमद की बात करेंगे दोस्तों, पूरे टूर्नामेंट के अंदर 11 रन बना के 3 विकेट चटकाए हुए हैं। तो ये MAU के सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड है दोस्तों, और ध्यान रखना कल के भी मैचेस का क्या क्या रिकॉर्ड था, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। CTL के टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो बेस्ट रहेगा आशीष अहमद, जो कि आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आएंगे दोस्तों। और कल के अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो तीनों मैच के अंदर इन्होंने ओपन करा है, तीनों मैच के अंदर देख सकते हैं, पहले मैच के अंदर 25 रन, फिर यहाँ पे 86 रन, फिर 9 रन। ऐसा नहीं कि कल के मैच में ओपन करा है, पूरे टूर्नामेंट के अंदर ओपन करा है, देख सकते हैं पहले के मैच में भी अगर आप देखोगे तो ओपन करते हुए ही आए हैं। तो पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 347 रन बना के इन्होंने 4 विकेट निकाल चुका है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। अगर आप चाहें तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी इनके साथ जा सकते हैं, कल के जो मैचेस हुआ था देख सकते हैं, एक मैच में 86 रन बनाए थे। मोहम्मद अरगमन खान ओपन करेंगे, और कल के सारे मैचेस में भी ओपन करा है, पहले मैच के अंदर 23 रन, फिर 60 रन, फिर 11 रन। तो ये दोनों के दोनों खिलाड़ी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट है, और अभी तक देखोगे इन्होंने भी 321 रन बना के 3 विकेट निकाले हैं। निसार अहमद ये दोस्तों फर्स्ट राउंड पर खेलते, पहले मैच के अंदर 16 रन, दूसरे मैच के अंदर भी 16 रन स्कोर करा है, पहले मैच के अंदर फर्स्ट राउंड पर इनको भेजा कल के, और सेकंड मैच में अगर आप देखोगे सेकंड डाउन पे भेजा गया जहां पे 16 रन बनाए थे। आमिर खान जो कि कल के मैचेस में देखोगे दोस्तों तो पहले मैच के अंदर इनको सेकंड डाउन पे भेजा गया था और इनको फर्स्ट डाउन पे, और इन्होंने पहले मैच के अंदर 1 रन बना के 1 विकेट निकाला, फिर इनको बैटिंग नहीं मिला, 2 ओवर की गेंदबाजी में विकेट निकाल पाए थे, फिर यहां पे भी विकेट नहीं निकाल पाए। कल के एक ही मैच के अंदर इनको सफलता मिला था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 99 रन बना के 8 विकेट निकाले हैं। सिराज इकबाल थर्ड डाउन पे खेले थे कल के मैच में, पहले मैच के अंदर 12 रन प्लस 2 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, फिर फर्स्ट डाउन पे इनको भेजा गया जहां पे 66 रन बना के 1 विकेट निकाले थे। तो इनका रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो काफी बेहतरीन लास्ट मैच के अंदर देख सकते हैं, 66 रन बना के 1 विकेट। पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 175 रन बना के 5 विकेट निकाले हैं। यासिर अली फर्स्ट राउंड पे आ रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 180 रन बना के 1 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों देख सकते हैं ओवरऑल। बाकी यहाँ पे अली अजम इनका रिकॉर्ड उतना बेटर है नहीं, स्टार्टिंग के 2 मैच के अंदर विकेट मिला था, बाकी के सारे मैच फ्लॉप रहा है। गुलाम सरवार भी देख सकते दोस्तों बीच बीच में इनको विकेट मिला है, बाकी के सारे मैच में ये फ्लॉप रहते। ये भी मोहम्मद मुगाल पूरे टूर्नामेंट के अंदर 57 रन प्लस 1 विकेट। असीम जेब
की बात करते हैं तो लास्ट मैच के अंदर ही 2 विकेट मिला था, 3 मैचेस अभी तक खेला है, तीनों मैच में इनको 2-2 विकेट मिला है, बाकी के मैच खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर 56 रन स्कोर कराए, इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है। शाहबाज शेखावत पूरे टूर्नामेंट के अंदर 2 विकेट, गुलाम सरवार की बात करेंगे दोस्तों, सरवार की बात करेंगे अभी तक पूरे टूर्नामेंट के अंदर 25 रन बना के 8 विकेट निकाले हैं। अगर इस मैच के अंदर खेलते हैं तो ये भी बेटर ऑप्शन रहेगा। सरजाय की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 1 विकेट, दूसरे मैच के अंदर 1 फ्लॉप, लास्ट मैच के अंदर भी एक भी विकेट नहीं मिला इनको, देख सकते हैं। 3 ही मैचेस अभी तक खेला है, पहले मैच के अंदर विकेट मिला था, बाकी के सारे मैच में फ्लॉप रहे हैं। तो ये MAU और CTL का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, और ध्यान रखना आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। कल के 3 मैचेस में क्या हाल है इनका, सारे रिकॉर्ड मैंने आपको शेयर किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गया होगा। बाकी मैंने आपके लिए एक डेमो टीम बना के रखा है दोस्तों, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से, तो ए अहमद को मैं ट्राई करूंगा CTL के टीम की तरफ से, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैंने कहा था कि इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं, जो कि ओपन करने के लिए आते हैं, जैसे कि मैंने आपको रिकॉर्ड में बताया है। बैटिंग में है 3 बैट्समैन, मोहम्मद इमरान खान भी बेस्ट है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। मैं डी बिस्नेट को ट्राई करूंगा दोस्तों, और यहां पे जो है एम बैंक को मैं लेने वाला हूं। ये 3 बैट्समैन आपके टीम के अंदर होना जरूरी है, अगर आप चाहें तो ऑलराउंडर में ले सकते हैं एस इकबाल, क्यू नवाज, और यहां पे एम आमिर साजाद बेस्ट रहेगा दोस्तों, इनका भी रिकॉर्ड बेटर है, और लास्ट के मैचेस में यहाँ पे ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं, फर्स्ट राउंड पे भी खेल रहे हैं दोस्तों, तो ये बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मोहम्मद अमीर शेखावत, ये लास्ट के कुछ मैचेस में काफ़ी बढ़िया खेला, अगर आप चाहें तो जी सबर को ले सकते हैं अगर खेलते हैं तो इस मैच के अंदर। बाकी इंपॉर्टेंट प्लेयर तो है, लेकिन खेलते हुए कल के एक ही मैचेस में नहीं दिखा है। बॉलिंग में देखोगे 4 बॉलर, जिसमें से के अहमद, अब्दुल्ला, आई अहमद, और दोस्तों यहाँ पे AZ को मैंने ट्राई किया हुआ, ये भी अपने स्पेल के 2 ओवर बॉलिंग करते हैं। बाकी कैप्टनसी के लिए मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी के लिए इनके साथ जा रहा हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इनके साथ भी जा सकते हैं, तो ये चीज़ माइंड पर रखना। बाकी टीम को सेव कर लो, अगर मेरे टीम में कोई भी चेंजेस आएगा तो मैं फाइनल टीम आपको अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों, तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।